मानस मिश्र, आपके साथ शुरू करते हुए, ये जो एम्स की टीम ये सवाल पूछ रही है लाइगेजा मार्क को लेकर, वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, ये जो गले के बीचों बीच है, हॉरिजॉन्टल है, इसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने कैसे हत्या को रूल आउट किया, आपने कैसे एस्टैब्लिश किया कि सुसाइड है। आप बाकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट और जो आपकी इंटरनल फाइंडिंग्स है उसको छोड़िए, सिर्फ लाइगेजा मार्क पर जवाब दीजिए। देखिए, लाइगेचर मार्क अगर हॉरिजॉन्टल है तो दैट इज एन वेरी गुड एविडेंस कि ये स्ट्रैंगुलेशन है, बिकॉज अगर ऑब्लिक एंगल होता है तो वो हैंगिंग दर्शाता है। इस केस में जो है लाइगेचर मार्क, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ऊपर की एज और जो नीचे की एज है, ऊपर की एज जो है जो बैंड में ऊपर की एक एज आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत ही लाइट है और नीचे की एज जो है वो डार्क है। अगर ये हैंगिंग का केस है तो ऊपर की जो एज है ये थोड़ी सी ज्यादा डार्क होगी, क्योंकि बॉडी का जो वेट है वो नीचे जा रहा है और कपड़ा जो बॉडी को खींच रहा है वो ऊपर खींच रहा है, तो मैक्सिमम जो टेंशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की जो एज है वो थोड़ी सी लाइट है इस केस में, तो जो कि दर्शाता है कि शायद हैंगिंग शायद नहीं है ये। दूसरी बात, मेरे पास एक कपड़ा है, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके थ्रू भी दिखा सकता हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप एक कपड़े से किसी को, कोई आदमी अगर एक कपड़े से लटकेगा तो कपड़े में जब आप वजन डालेंगे तो टेंशन बिल्ड होता है और कपड़ा कुछ इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर ये आपका गर्दन पे होगा तो अभी आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्वी लाइन आ रही है, उबड़ खाबड़ सी एक लाइन आ रही है। लेकिन जो सुशांत के गर्दन पे निशान है वो बहुत ही स्ट्रेट निशान है, जो कि किसी बेल्ट से या किसी रोप जैसी चीज के साथ लिया गया, क्योंकि एजेस बड़ी शार्प है उसकी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो लाइगेचर मार्क है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक एविडेंस है कि शायद ये जो मामला डेथ का है ये शायद ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ज्यादा है, ना कि हैंगिंग। ठीक है, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ, हमारे साथ एक और फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, जल्दी से उनको दिखाइए। सर, आपका क्या टेक है इस पर, जसकरण सिंह साहब, जल्दी से। हाँ जी, मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि भाई जैसे फोरेंसिक, अभी जैसे मानस मिश्रा जी ने बताया कि भाई लाइगेचर मार्क है, सुशांत की बॉडी पे लाइगेचर मार्क दिखाई गए हैं जो कि एक सीधी तरह है, तो मेरे पास एक फिगर है, इस फिगर के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे क्लियर कट केस है, स्ट्रैंगुलेशन है, हम हैंगिंग बोल रहे हैं, हैंगिंग में जो हमारी नेक है वो एलोंगिनेटेड हो जाती है, लंबी हो जाती है, और हैंगिंग के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। पर जो इधर हमारा दिख रहा है, जो कि स्ट्रैंगुलेशन का केस हम कह सकते हैं, पूरी सीधी की सीधी लाइन है। और इसके और ऐड करने के लिए मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हमारे जब भी हैंगिंग का केस हो या स्ट्रैंगुलेशन का केस माना जाए तो हमारे नेक के ऊपर के हिस्से में हायोड बोन होती है। ये जो हायोड बोन है, अगर कंप्रेशन है, अगर हैंगिंग का केस है, तो हायोड बोन के जो टर्मिनल एंड्स हैं ये आउटवर्ड बाहर की तरफ से फ्रैक्चर होकर टूट जाते हैं। और अगर ये इनवर्ड है, या कि स्ट्रैंगुलेशन का केस है, जैसे कि इधर दिखाई दिए जा रहा है उसके लिगेचर मार्क्स से हम संदेह कर सकते हैं कि भाई ये स्ट्रैंगुलेशन का केस है, तो ये इनवर्ड की तरह कंप्रेस होकर फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये बहुत चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हायोड बोन के तहत भी एग्जामिनेशन हो सकती है। तो ये बताने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंगिंग है या स्ट्रैंगुलेशन है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैंगुलेशन है, जैसे कि मानस जी ने भी ऑलरेडी डिस्कस करा कि भाई वहां पे बकल का निशान है, रोप है, और अगर आपकी हैंगिंग केस है तो हैंगिंग में वी शेप का पैटर्न आता है जो कि इलोंगिनेटेड है, नाक की तरफ जाता है। इसकी मैंने एक और फिगर बना रखी है, जैसे कि ये, तो ये अगर हमारे ये है तो नेक के तहत वी शेप का पैटर्न जाएगा जो कि तिरछा निशान जाता है। ये तिरछा निशान हैंगिंग में क्यों नहीं दिखा? और भी कई सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि टंग फ्लटर हो जाती है, स्ट्रोक्स एंड ग्लोव पैटर्न आते हैं हैंगिंग के केस में, क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन होती है, और मल मूत्र का निकल जाना, ये बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि उसमें अगर दिखाए गए हैं तो दिखाया जाए, बताया जाए ऑटोप्सी रिपोर्ट में कि ये सब चीजें भी ऑटोप्सी करने के टाइम पे पता लगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।